हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप एवरीबॉडी इज फाइन एट देयर होम। तो आज का हमारा लेक्चर है लॉज का। फर्स्ट चैप्टर में कुछ केमिकल लॉज है और उनको लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। आज हमको इन्हीं के ऊपर बात करनी है। सर, ये लॉ क्यों बनाए गए, किस लिए बनाए गए और इनको हम आज यूज कर सकते हैं, ये सब हमने आज के वीडियो के टॉपिक रखने हैं। और एक एक करके लॉ करना है। हमने 5 लॉ है हमारे फर्स्ट चैप्टर्स के, और इन लॉ के स्टूडेंट्स हमारे पास न्यूमेरिकल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ही हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं तो फर्स्ट चैप्टर इज फुल ऑफ न्यूमेरिकल्स। हमने मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सारे न्यूमेरिकल्स किए हैं। अब हमने क्या करना है, लॉज करने हैं, लॉज की डेफिनेशन को लर्न करना है, और डेफिनेशन के बाद हमने इसके ऊपर क्या करने हैं, न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें हमको पता हो, जो हमारे पास लोअर लेवल में हमने पढ़ी है कि हमारे पास एटम क्या होता है। यू नो व्हाट इज एटम? सबको पता है कि हम 6th-7th स्टैंडर्ड से ये पढ़ते आ रहे हैं, 8th स्टैंडर्ड। सर, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। वो छोटे से छोटा कण जिसको हम और ज्यादा विभाजित नहीं कर सकते। और आजकल इसकी डेफिनेशन क्या चल रही है कि इस जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं ले सकता। तो हम सिंपली इसको ज्यादा टाइम लगेंगे, एटम को लिख देंगे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, क्योंकि 11th लेवल में ऐसी चीजें पर टाइम ज्यादा नहीं लगाना, सिर्फ बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। और अगर मैं आपको कहूं मॉलिक्यूल क्या होते हैं, व्हाट आर मॉलिक्यूल, देन टू एटम, अगर कोई दो एटम आपस में कंबाइन कर जाए तो उसको मॉलिक्यूल बोल देते हैं हम। याद रखेंगे एटम क्या है सर, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एंड इफ आई कंबाइन टू एटम्स व्हाट आई गेट वन मॉलिक्यूल। बिल्कुल सही है। अब एक होता है टर्म एलिमेंट। हमारे जितने पीरियोडिक टेबल में है वो सारे के सारे क्या है, एलिमेंट्स है, हमको पता है, उनको एलिमेंट्स बोलते हैं। ये होते हैं मॉलिक्यूल प्लस मॉलिक्यूल, इसमें और आएगा मॉलिक्यूल प्लस मॉलिक्यूल, एंड एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म। याद रखेंगे प्योरेस्ट फॉर्म हमारे पास होता है एलिमेंट, एंड दिस इज मॉलिक्यूल प्लस मॉलिक्यूल। और एक होता है हमारे पास कंपाउंड। चार टर्म्स हमको पढ़नी है। कंपाउंड क्या होता है, टू डिफरेंट एलिमेंट्स। ये लीजिए सर, टू डिफरेंट एलिमेंट्स मीन्स एक एलिमेंट है और दूसरा एलिमेंट है, उसको हमने कंबाइन करा है और हमारे पास टू डिफरेंट एलिमेंट्स बन गए हैं। क्लियर हो रही है चीजें? तो ये एलिमेंट प्लस एलिमेंट, ये एलिमेंट डिफरेंट होने चाहिए, मॉलिक्यूल सेम हो सकते हैं। तो एटम से मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल से एलिमेंट बनता है, एलिमेंट से कंपाउंड बनता है। सर एग्जांपल से बताइए जरा, अगर अकेला ऑक्सीजन है ले लूं, इसको बोलेंगे एटम, इसको क्या बोलेंगे, एटम। अब एटम्स का हमको मॉलिक्यूल बनाना है, तो एटम प्लस एटम मींस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया, ओ टू, दिस इज मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे इसको हम, मॉलिक्यूल। और अगर ये ओ टू हमारे पास प्योर हो जाए, मीन्स साथ में और कुछ ना हो, प्योरेस्ट हो जाए, तो उसको बोलेंगे एलिमेंट। मीन्स एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल उनको डिस्क्राइब करने का तरीका सेम हो सकता है, बट देयर इज वेरी बिग डिफरेंस बिकॉज एलिमेंट इज प्योरेस्ट फॉर्म। और सर कंपाउंड क्या होता है, टू डिफरेंट एलिमेंट। टू डिफरेंट एलिमेंट कैसे, अब देखो H2O, इसमें दो डिफरेंट एलिमेंट यूज हो रहे हैं, एक ऑक्सीजन यूज हो रहा है और एक हाइड्रोजन यूज हो रहा है, मींस वाटर इज अ कंपाउंड। क्लियर हो रही चीज है? सर इसको कितना टाइम दे, बस इतना सा ही समझना है कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट है, एटम से एटम जोड़ दो तो मॉलिक्यूल बन जाएगा, मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल जोड़ दो तो एलिमेंट बन जाएगा, मींस मॉलिक्यूल से आगे उसकी प्योरेस्ट फॉर्म बना दी हमने। और अगर दो डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं देन इट विल बी कंपाउंड, तो वो कंपाउंड बन रहा है हमारे पास। क्लियर हो रही है? अब इन्हीं एटम्स मॉलिक्यूल एलिमेंट कंपाउंड को कैसे मिलते हैं, ये आपस में रिएक्शंस कैसे करते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसी के ऊपर लॉज दिए गए थे। और ये 17th सेंचुरी की बात है जब लॉज दिए गए थे। तो कौन से लॉज है वो हम बता देते हैं। इनको बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखो केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, कि कंबाइन कर रहे हैं, केमिकली कंबाइन कर रहे हैं, मीन्स इसको जोड़ना, इन सबको मिलाना, या ये चीजों की रिएक्शंस, इसी के ऊपर बेस ये लॉज है। और मैं फिर बता रहा हूं ये 17th एंड 18th सेंचुरी में सारे लॉज दिए गए थे, मतलब तब के दिए हुए हैं। अब देखते हैं आज के टाइम में वैलिड है या नहीं है, और इनसे अच्छे और कौन से लॉज आ गए। तो फर्स्ट लॉ जो हमने इस चैप्टर में पढ़ना है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फर्स्ट लॉ जो इसमें है। और इसी का मॉडिफाइड होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
मास एंड एनर्जी। सर ये तो हमने लोअर क्लासेस में पढ़े हैं, वेरी गुड, नाइन्थ में पढ़े हुए हैं सर ये हमने, तो बहुत अच्छी बात है पढ़े हैं, बट अब हम इसके ऊपर बेस न्यूमेरिकल्स करेंगे। इलेवंथ का लेवल थोड़ा सा नाइन्थ के लेवल से क्या होगा, अच्छा खासा ज्यादा होगा, थोड़ा सा नहीं ज्यादा आगे हायर लेवल होगा। अब ये तो पढ़ा हुआ है कि हमको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, तो बहुत अच्छी बात है, डेफिनेशन हम एक मिनट में लिख देंगे, बट इसके ऊपर 5 से 6 न्यूमेरिकल हम आपको अभी करवा देंगे। कि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर न्यूमेरिकल्स आप वर्कशीट भेज रहे हैं तो उससे सॉल्व हो रहे हैं हमसे, तो हमको कुछ 15 से 20 न्यूमेरिकल साथ साथ में करवा दीजिए करिए। तो जैसे हमने कंसंट्रेशन में करवाए थे आपको 10 से 15 न्यूमेरिकल, 3 वीडियोस हमने बनाई थी सॉल्यूशंस की, 3 वीडियो बनाई थी हमने न्यूमेरिकल्स की, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, तो इसी तरह हम इसमें भी लॉज पहले करवाएंगे साथ के साथ न्यूमेरिकल, जब न्यूमेरिकल खत्म हो गए तब नेक्स्ट लॉ पे मूव करेंगे। कॉपी निकाल लो, हेडिंग लगा लो, प्यारा सा आपका चैनल है बीबीएच क्लासेस, माय नेम इज बादल राय एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। चलिए सर थर्ड लॉ बताइए जल्दी से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, ये इसी का मॉडिफाई होता है। ओके क्लियर हो रहा है, ये एंटोनी लेवेसर ने दिए थे, एंटोनी लेवेसर सर ये कौन है, ही इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं हम, और 17th century के दिए हुए हैं हमारे पास ये लॉ। सर इतना भी याद रखना पड़ेगा कब दिए, नहीं नहीं लॉज कर लो, कह क्या रहा है लो वो कर लो, और सिर्फ न्यूमेरिकल कर लो, बात खत्म, आगे मूव करने लगा हूं। थर्ड है हमारे पास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, डेफिनेट प्रोपोर्शन, और सर इसको और क्या कहते हैं, इसको और हम कह सकते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल नहीं बोलेंगे इसको, कॉन्स्टेंट कंपोजिशन, कॉन्स्टेंट कंपोजिशन, ये हमारा हो गया थर्ड लॉ। फोर्थ क्या है, लॉ ऑफ, पूरा नहीं लिखूंगा, ये लॉ ऑफ ही चल रहा है तो ऐसे हम इन्वर्टेड कॉमास से इसको ऐसे कॉमास से डिनोट कर रहे हैं, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, एंड नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। सर सारे करने हैं, ये वाला इसके ऊपर बेस न्यूमेरिकल आ जाता है ज्यादा, इसके ऊपर बेस न्यूमेरिकल आ जाते हैं ज्यादा, ये वाले थोड़े बेसिक लेवल हो जाते हैं करने, ये भी है न्यूमेरिकल सबके करेंगे। एंड हमारे पास एक आ जाता है लॉ ऑफ गे-लुसक्स लॉ, गे-लुसक्स लॉ, साइंटिस्ट का नाम ही गे-लुसक्स है, ठीक है जी, तो 1808 में ये दिया था इन्होंने, ये 1792 में दिया था आई थिंक सो, रिचर ने ये दिया था, ये डाल्टन ने दिया था, ठीक है, इसको मैं लिख दूं साथ में एंटोनी लेवेसर, इन्होंने ये दिया था 1789 में, ये दोनों 1789 में, और ये जो डेफिनेट प्रोपोर्शन है ये हमको मिला था 1799 में, 1799 जे एल प्राउस्ट, इसका नाम मैं लिख देता हूं यहां पर, ये लीजिए यहां निकाल के लिख रहा हूं जे एल प्राउस्ट, क्लियर है। और नेक्स्ट है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन, ये हमको किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था, किसने दिया था ये, डाल्टन ने दिया था हमको, ये रिचर ने दिया था हमको, तो इन सब चीजों में नहीं हमने जाना कि किसने दिया था और कब दिया था, दो सारे के सारे लॉ 17th and 18th century की, इतना नहीं हमको डीप पढ़ना कि हमको उसको लर्न रखना पड़ेगा ना, तो अभी के लिए हमको ये 5 के 6 लॉ डिस्कस करने हैं और इसके ऊपर बेस्ड क्या करने हैं, न्यूमेरिकल्स हमको करने हैं। चलिए सर हम पहला लॉ इसमें करने जा रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सर ये लॉ क्यों दिए गए थे, ताकि मॉलिक्यूल आपस में कैसे कंबाइन कर रहे हैं, एलिमेंट आपस में कैसे कंबाइन कर रहे हैं, कंपाउंड कैसे बन रहे हैं, इनके ऊपर बेस्ड है इसलिए ये दिए। चलिए जी केमिकल कॉम्बिनेशन को हटा देते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास लिखते हैं, फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलिए सर फर्स्ट हमारा आ गया एंटोनी लेवेसर, फादर ऑफ केमिस्ट्री ने दिया था, तो ये क्या कह रहा है लॉ कि हमारे पास अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, इन ऑल केमिकल रिएक्शन द मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, मैं लिख रहा हूं कोई केमिकल रिएक्शन ए टू बी, एग्जाम्पल ले लीजिए हमने कोई ए टू बी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, हमको पता है एरो के लेफ्ट साइड में जो होते हैं इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, क्या बोलते हैं इसको, रिएक्टेंट, और एरो के राइट में जो होते हैं इनको बोलते हैं प्रोडक्ट्स,
क्या बोलेंगे इसको, प्रोडक्ट्स। और इसमें कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कह रहा है, मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। कहता रिएक्टेंट्स बनाओ, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाओ, बट उनका जितना मास रिएक्टेंट का है उतना ही प्रोडक्ट का हमारे पास बन के आएगा। अब इसकी कुछ डेफिनेशन है वो आप नोट कर लीजिए। देखिए, इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, एग्जाम में अगर आ गई तो ऐसे लिखना है, इतना मत लिखना। इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट will be is equal to total mass of product, will be is equal to total mass of product। और डाल के लिखेंगे, और कैसे लिख सकते हैं हम इसकी डेफिनेशन, एक ये मेथड था हमारे पास, लिखिए सेकंड मेथड, और डाल के लिखेंगे टोटल मास इन्वॉल्व इन, टोटल मास इन्वॉल्व इन एनी केमिकल रिएक्शन, पूरा लिखेगा आप, टोटल मास इन्वॉल्व इन एनी केमिकल रिएक्शन रिमेन कॉन्स्टेंट। ये सेकेंड मेथड आ गया हमारे पास, क्लियर है सर। एग्जाम्पल कितनी लिखनी है, हर एक लॉ की 4 से 5 एग्जाम्पल लिख दो सर, करा हुआ कोई बात नहीं, करा हुआ है तो इजी लग रहा है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स करेंगे बहुत अच्छी बात है, हमको अच्छे से कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनानी है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनाया करो, फिर उसके ऊपर बेस्ड एग्जांपल्स लिखो 4 से 5, फिर उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करो, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करो। चलिए एग्जांपल, सबसे पहले तो बेसिक एग्जांपल आइस है, मींस वाटर इन सॉलिड फॉर्म विच चेंजेस इनटू वाटर इन लिक्विड फॉर्म। भाई जितना वेट आइस का है उतना ही क्या रखेंगे, वाटर जो उससे बन रहा है, फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास होगी, क्लियर है। सेकेंड एग्जाम्पल बनाने लगा हूं, इधर देखेंगे जरा, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। मैंने कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर क्या डाल दिया, कुछ बूंदे सल्फ्यूरिक एसिड की डाल दी है, और हमको पता है रिएक्शन कैसे होती है, इसका पॉजिटिव सिखाया है वो मैंने पहले, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से मिलेगा, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से मिलेगा, मींस CaSO4 प्लस इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से मिलेगा, मींस H2CO3। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, H2CO3 इज कार्बोनिक एसिड और ये बहुत ही अनस्टेबल होता है, जितनी कोल्ड ड्रिंक्स है उसमें ये वाला हमारे पास एसिड होता है, तो ये इमीडिएटली हमारे पास क्या देगा, ब्रेक करके H2O दे देगा और CO2 गैस दे देगा। तो जहां कहीं भी हमारे पास H2CO3 बनता है ना, तो ये अंडरस्टूड है कि वहां पर H2CO3 नहीं लिखेंगे, वहां क्या लिखेंगे, H2O प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी व्हाट। तो इसको हटा रहा, देखो वही चीज बन रही है, हाइड्रोजन दो है, कार्बन एक है, ऑक्सीजन 3 थे, 2 इधर चले गए, 1 इधर चला गया, तो मैं H2CO3 की जगह डायरेक्ट यहां पर क्या लिखूंगा, H2O प्लस CO2। अब बताओ ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है, मींस मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। सर कैल्शियम कार्बोनेट का कितना होता है मास, 100, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, कैल्शियम का कितना होगा सर 40, प्लस कार्बन का कितना हो गया 12, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 के साथ है, तो 16 × 3 = 48, टोटल देखिए 100 ही बनेगा, चेक करिए आप प्रॉपर, दिस इज 60 + 40 = 100। H2SO4 कितना होता है सर हमारे पास 98 होता है, मींस टोटल इधर कितना आ गया, रिएक्टेंट का वेट कितना आ गया 98। सर इधर चेक करें कैल्शियम, देखो CaSO4, चेक करिए वाटर का कितना हो गया 18, CO2 का कितना हो गया 44, और इसका कितना हो गया कैल्शियम का अगेन 40, प्लस सल्फर इज 32 प्लस 64। सर इधर भी कितना आ रहा है 198 ही आएगा, मींस मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। सर ये क्या एग्जाम्पल है, एग्जाम में आ गया कि ये रिएक्शन दे रखी है, कोई रिएक्शन दे रखी है, वहां पर लिखा आ जाएगा नीचे कि वेदर दिस रिएक्शन होल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और नॉट। ये होल्ड कर रही है, बिल्कुल होल्ड कर, कैसे चेक करेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकालो, देखो इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज वैलिड फॉर मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर हो रही है सर। एक दो और एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स ज्यादा रखनी है हमने, तभी मजा आएगा करने में। चलिए एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स ज्यादा ज्यादा करने हैं।
लेक्चर लंबा हो रहा है कोई बात नहीं, वैसे भी डेली आपका 1 आवर का लेक्चर होगा, 40 मिनट्स का लेक्चर होगा, तो 40 मिनट की वीडियो देखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और एकदम अटेंशनली देखा करो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वीडियो को पॉज करके आप कुछ काम कर रहे हो, साथ में खा रहे हो पी रहे हो, नहीं ऐसा बिल्कुल ना हो। पढ़ने के जोर से बैठो, अगर साइंस यूज कर ली है तो अब साइंस जितना पढ़ने के लिए टाइम मांगती उतना देना भी है हमने, ठीक है। घर बैठे लेक्चर मिलेंगे, एवरी टीचर इज प्रिपेयरिंग द लेक्चर एंड सेंडिंग यू, तो आपको क्या करना है उसको करके व्हाट्सएप इमेज हमको जरूर सेंड करनी कि सर हमने देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स, मैंने वीडियो डाली थी लास्ट उसमें मेरे को व्हाट्सएप मैसेजेस नहीं आए कि सर हमने कर लिया है देखिए इमेजेस। जितने भी बच्चे देख रहे हैं हमारे ये 11th वाले, सब मेरे को व्हाट्सएप करेंगे इस नंबर पे जो मैंने नंबर दे रखा है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप जरूर करिए कि सर हमने कर लिया है, ताकि हम आपको आगे और वीडियोस दे जल्दी से जल्दी। ओके, तो चलो एक और एग्जांपल लिखते चलो। H2+O2, H2+ ½O2 क्या बनेगा? H2O। सर अब ये हाफ O2 क्या चीज है, ऐसा क्यों लिखा हमने, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन एक रहेगा, ऐसा नहीं लिखना, तो ऐसा लिख देते ये लीजिए H2+O2 2H2O। अब देखो ऑक्सीजन इधर 2 है, रिएक्शन को बैलेंस करना है, इधर ऑक्सीजन 1 था, 1 2 2 2 हो गए, बट हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 4 हो गए, तो इधर भी 2 लगा दो भाई। रिएक्शन बैलेंस हमने 10th लेवल में करी है, हिट एंड ट्रायल मेथड से भी करे हुए हैं, बहुत सारे बैलेंसिंग करी है। चलिए अब देखिए जरा मास, हाइड्रोजन का वैसे कितना होता है 1 1 × 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो 2 2 × 2 कितना हो गया 4, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 × 2 कितना हो गया 32, मींस रिएक्टेंट कितने हो गए 36। सर इधर वाटर का कितना होता है 18, हमें पता तो है वाटर का 18 होता है, तो 18 × 2 = 36, देखो मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर हो रही है चीजें, टाइम लो हर चीज को क्लियर करो। सर और एग्जांपल लिखनी है, एक दो और लिख दो। चलिए एक ना बुक में दे रखी होती है एग्जांपल, वो भी मैं आपको बता देता हूं, देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। NaCl + AgNO3, ये बुक में दे रखी होती है एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा, और ऐसा डायग्राम भी बना रखा होता है, मैं यहां बना देता हूं, ये लीजिए सर, एच टाइप एक हमारे पास ट्यूब होती है, ये बहुत सी रेफरेंस बुक में दे रखी होती है, एच लैंडलॉर्ड्स बोलते हैं इसको, ठीक है, लैंडलॉर्ड्स ट्यूब देख लीजिएगा, इसको वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा, यही बोलते हैं। NaCl है हमारे पास, इसमें NaCl डाला हुआ है, बिल्कुल इधर डाला हुआ है AgNO3, ये लो बॉस AgNO3 डाला, तो इसको अच्छे से शेक कर दिया, यहां से ऊपर ने H शेप ट्यूब है, लैंडलॉर्ड्स ट्यूब बोलते हैं इसको, लैंडलॉर्ड्स एक्सपेरिमेंट भी बोलेंगे इसको, लैंडलॉर्ड रिएक्शन भी बोलेंगे इसको, इसको अच्छे से शेक कर दिया, शेक करने का मतलब क्या, आपस में रिएक्शन कर रहे, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, ये लो क्या बन जाएगा, AgCl बन जाएगा +NaNO3 बन जाएगा। अब इधर देखो, चाहे हमारे पास ये चेंज हो गई हो प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गए, पर एक ही Ag था एक ही Cl है, इधर भी एक ही Ag है एक ही Cl है, इधर एक ही Na था इधर भी एक ही Na है, इधर NO3 एक है इधर NO3 एक है, कहने का मतलब है इधर भी मास ऑफ रिएक्टेंट, इधर भी मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ये लीजिए ये चलेगा, ये केमिकल रिएक्शन है, इसके ऊपर बेस्ड हमारे पास ये हो जाता है। सो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कर लिया है, इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारी एग्जांपल्स कर रही है, अब हमने करने हैं इसके क्वेश्चंस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अब न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, और हमारे पास बोर्ड के ऊपर 1 2 3 4 4 न्यूमेरिकल्स हमारे पास लिखे हुए हैं, 1 से 2 और कर लेंगे, 5 से 6 न्यूमेरिकल्स हमने आपको करवा देने हैं, बाकी वर्कशीट भेज देंगे, उसके ऊपर बेस्ड कर लेना, इंपॉर्टेंट होते हैं, हर एक लॉ को लर्न रखना इजी है, बट उसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम कैसी आ सकती है उसकी वैरायटी हमको करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना कि हमारे पास ये सिंपल है पहले पढ़ा हुआ तो न्यूमेरिकल्स मत करें, न्यूमेरिकल्स करने हैं इजी पहले करेंगे तभी डिफिकल्ट वन भी होंगे, पहले अपना अच्छे से फोकस बना के अच्छे से इस पर प्रैक्टिस हाथ जमाओ, इसके ऊपर कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं अपने। तो फर्स्ट चैप्टर के ऊपर फर्स्ट लॉ के ऊपर हम करने स्टार्ट करने शुरू कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स, ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है और ये हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या क्या बना, कहता 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन जो दिया उसको हम बॉक्स में डाल देंगे, ये लीजिए 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद सम ऑक्सीजन, कितनी ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं,
टू मेक 36 ग्राम, जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको बॉक्स में डालिए, 36 ग्राम ऑफ वाटर. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इफ इट होल्ड्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ऑल्सो राइट केमिकल रिएक्शन. अब न्यूमेरिकल करने का आपको मेथड सिखाने लगा हूं. सबसे पहले सोल्यूशन एज ए हेडिंग लगाइए. बोर्ड लेवल में या 11th में 10th में जितने भी हमारे पास क्लासेस हैं, न्यूमेरिकल्स करते वक्त ये नहीं कि न्यूमेरिकल आता है तो सीधा आंसर पर पहुंच जाओ. कुछ स्टेप्स होते हैं, सीबीएसई स्टेप्स फॉलो करने को कहता है. तो स्टेप्स क्या है वो बताने लगा. सबसे पहले तो आप लिखिए गिवन. हर एक क्वेश्चन में सबसे पहले लिखेंगे गिवन. गिवन क्या है? 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ये लीजिए सर, ये गिवन है. और क्या गिवन है? ऑक्सीजन भी गिवन है. नहीं, ऑक्सीजन तो कैलकुलेट करने को है. सम ऑक्सीजन टू मेक 36 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर गिवन है 36 ग्राम ऑफ वाटर. ठीक है, फिर ऐसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन और गिवन रिएक्शन आई कैन से हाइड्रोजन. देखिए पहले ऐसे लिखेंगे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन विल कंबाइन टू गिव वाटर. यही बन रहा है ना, कि यही कह रहा है कि इतने ग्राम हाइड्रोजन और इतने ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन करके 36 ग्राम वाटर बन रहे हैं. 4 ग्राम हाइड्रोजन दे रखा है भाई, यहां लिख दो. लिख दिया. वाटर कितना बन रहा है? 36 ग्राम बन रहा है. लिख दो. लिख दिया. अब उसने पूछा कि कितना ऑक्सीजन लगेगा, तो ऑक्सीजन को क्या लेट कर लो, एक्स. तो यहां पर हम ये भी चीज लिखेंगे, जब ऐसे लिखते हैं ना, यहां पर लिखेंगे लेट मास ऑफ ऑक्सीजन, लेट मास ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू एक्स. ये चीजें लिखनी जरूरी है, चाहे आपको न्यूमेरिकल आता है बट ये लिखना पड़ेगा, एग्जामिनर को बताना पड़ता है कि हाँ भाई हमको स्टेप्स आते हैं न्यूमेरिकल्स करने के, तो आपको मार्क्स मिलेंगे. आप सीधा आंसर लिख देंगे कि हाँ भाई इसको 4 + x = 36. अब ऐसे क्यों लिखा है? लिखेंगे बिकॉज, यहां पर बिकॉज ऐसे लिख के लिखेंगे, बिकॉज इट इज गिवन द रिएक्शन होल्ड्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मींस इन द मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट. ऐसा क्यों लिखा? इक्वल साइन क्यों डाला है हमने? क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये कंजर्वेशन ऑफ मास को होल्ड कर रहा है और हमको ऑक्सीजन की अमाउंट बताओ, तो ऑक्सीजन का अमाउंट हम यहां से निकाल सकते हैं. 4 + x = 36, एक्स विल बी इक्वल टू 36 - 4, एक्स विल बी इक्वल टू 32 ग्राम. बहुत से बच्चों ने मेरे से पहले सॉल्व कर दिया होगा, बट अगर आपने ऐसे स्टेप्स नहीं लिखे हैं, इसका मतलब है कि आपके मार्क्स कटने के चांस है. और जैसे ही आंसर निकलता है उसके पीछे भाई यूनिट डालना मत भूलना, यूनिट आधा नंबर आपका नहीं तो कट जाएगा. 32 ग्राम. और इक्वालिटी क्यों डाली है? बिकॉज इट इज गिवन कि हम इसको इक्वल कर सकते हैं. कहां लिखा है? ये तो लिखा है, हम इसको इक्वल कर सकते हैं. अब देखो यहां 2 मार्क्स का हो गया. अब आगे आगे ऑल्सो राइट केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन कहीं लिखी है हमने? नहीं लिखी, तो केमिकल रिएक्शन भी लिखनी पड़ेगी क्योंकि उसने कहा है, क्योंकि उसने कहा है केमिकल रिएक्शन लिखिए. चलिए सर केमिकल रिएक्शन लिख देते हैं. क्या बनेगी? 4 ग्राम ले लीजिए, 2H2 तभी बनेगा 4 ग्राम. अब 32 आया, इसका मतलब 16 × 2, और बन क्या रहा है? 2H2. ये लीजिए, ये हमारे पास बन गया 36, दिस इज 32, दिस इज 4. 36 = 36, ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन. तो इस तरह से आपको स्टूडेंट जो जो पूछा है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, और स्टेप्स फॉलो करने बहुत जरूरी है. जितने भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं या कर रहे हैं, इस तरह से करेंगे. हर चीज गिवन, प्रूफ क्या करना है वो लिखेंगे, फॉर्मूला, फिर आपका जो न्यूमेरिकल का कैलकुलेशन पार्ट है वो लिखिए और आंसर बता दीजिए. यूनिट डाल दीजिए. सेकेंड पे मूव करते हैं. इन अ केमिकल रिएक्शन 150 ग्राम, जो चीज दी है उसको बॉक्स में डाल दो. 150 ग्राम ऑफ बेकिंग सोडा मिक्सचर, मतलब कि कोई मिक्सचर दिया हुआ है, मिक्सचर दिया है, और मिक्सचर कितना है हमारे पास? गिवन लिखना स्टार्ट करने लगा हूं. मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा गिवन है हमारे पास, मींस कोई दो चीजें मिक्स कर रखी है, इज इक्वल टू 150 ग्राम. चलिए आगे बढ़े. कंटेनिंग सोडियम बाइकार्बोनेट एंड विनेगर, वो जो मिक्सचर उसमें क्या क्या है हमारे पास है? सोडियम बाइकार्बोनेट और विनेगर, यानी कि हमारे पास सिरका उसमें डाला हुआ है. ऑन हीटिंग गिव्स 87 ग्राम ऑफ CO2 गैस, कहते इसको हीट करेंगे, इस मिक्सचर को अगर हम हीट करेंगे, ऐसे हीट करूं अगर मैं, तो क्या मिल रहा है? CO2 गैस मिल रही है. कितनी मिल रही है? 87 ग्राम. प्लस साथ में अगर गैस निकल गई है तो रेजिड्यू भी तो लेफ्ट होगा. रेजिड्यू समझते हो?
डू नो व्हाट इज रेसिड्यू? वो चाय बनाइए, कभी चाय बनाते हैं जब हमारे पास टी बच जाती है, जब हम उसको फिल्टर करते हैं, जो हमारे पास सॉलिड कंपाउंड बनता है ना, उसको रेजिड्यू बोलते हैं, कि लिक्विड से जब सेपरेट कर ले तब बाद में हमारे पास जो सॉलिड चीज बचती है। चाय बनाते हैं तो उसको हम छन्नी से मारते हैं, करते हैं छन्नी से उसको फिल्टर करते हैं, उसके बाद जो हमारे पास छन्नी में वो बच जाती है हमारे पास टी, उसको बोलते हैं रेजिड्यू। मीन्स गैस निकल गई मिक्सर को जब हमने हीट करा, इस मिक्सर को जब हीट करा तो गैस हमारे पास निकल गई, तो बचा क्या? रेसिड्यू लेफ्ट। उसने पूछा ये कितना है, इसको क्या हम लेट कर लेंगे? एक्स। सो कैसे लिखेंगे हम? लेट द रेसिड्यू लेफ्ट इज इक्वल टू एक्स ग्राम, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो रहा है, मिक्सर कितना है? 150 इज इक्वल टू 87 प्लस एक्स। एक्स निकाल दो भाई, क्या दिक्कत क्या है? जो भी आपका आंसर है ये लो, ये कुछ हमारे पास पिक्चर बन जाएगी 63 ग्राम। आंसर वेरीफाई कर लीजिएगा सही है या नहीं, बट हमको कॉन्सेप्ट में ध्यान रखना है। तो कितना रेजिड्यू बचा? इतना बचा। सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल है, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम। थर्ड क्वेश्चन पर जल्दी से मूव करेंगे। चलिए सर, पहले दो हो गए हैं, तो पहले दो हो गए तो मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ, क्योंकि लिखने के लिए जगह कम है हमारे पास बोर्ड में। चलिए सर, थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मच ऑक्सीजन विल एड विद 36 ग्राम ऑफ कार्बन टू गिव 132 ग्राम ऑफ CO2 बाई कंप्लीट कंबस्टन। देखिए अब हम रिएक्शन लिखते हैं, सबसे पहले कंप्लीट कंबस्टन बोला है, मीन्स देयर इज कार्बन, कंबस्टन मीन्स आग लगाना, मीन्स ऑक्सीजन से रिएक्शन बन क्या रहा है, CO2 बन रहा है। अब उन्होंने दिया है कि 132 ग्राम CO2 बन रही है, ये लीजिए जल्दी जल्दी करेंगे। अब 36 ग्राम ऑफ कार्बन है, 36 ग्राम है, ये पूछा उन्होंने एक्स, बता दो जल्दी से क्या लिखेंगे। 36 प्लस एक्स इज इक्वल 132 ग्राम, एक्स विल बी इक्वल 132 माइनस 36। अब सिंपल सिंपल है, अब इसको खुद से सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर दूंगा, अब ज्यादा टाइम लग रहा है तो क्वेश्चन की वैरायटी हमको देखनी है। सर इस लॉ के सिंपल ही क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। हम नेक्स्ट मूव करते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड मेड अप ऑफ एलिमेंट्स कंटेनिंग सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन कंटेन 46.7% मास ऑफ सिलिकॉन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान इधर रखना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना हमको यूनिटरी मेथड आना बहुत जरूरी है। यूनिटरी मेथड क्या होता है वो बताने लगा हूं। सपोज करो एक लीटर में कितने ml होते हैं, तो आप कहेंगे सर 1000 ml। एक लीटर में कितने ml होते हैं? 1000 ml। तो मैं आपको पूछूं दो लीटर में कितने होंगे, आप कहेंगे सर 2000 ml। क्या बात कर रहे हो, पता है हमको 2000 ml। तो मैं कहूं कि 500 ml में कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, आप कहेंगे सर हाफ लीटर, ऑफकोर्स हाफ लीटर हो जाएगा। अच्छा अगर मैं आपको कहूं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, आप कहेंगे 1000 मीटर। 2 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे सर, 2000 मीटर। तो अगर मैं आपको कहूं कि मेरे को 737.7 मीटर में कितने किलोमीटर है, मीन्स यूनिट के नीचे क्या आ रहा है, यूनिट, तो दूसरी टर्म को आप कर दीजिए एक्स। दूसरी टर्म को क्या कर देंगे, एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एक्स की वैल्यू निकालिए, आपका आंसर एकदम करेक्ट आएगा। यूनिट के नीचे यूनिट, नहीं समझे एक और चीज बताते हैं। हमारे पास 1 रुपीज की 10 टॉफीज है, 1 रुपीज की कितनी टॉफीज है 10, तो 5 रुपीज की कितनी हो जाएगी, देखो यूनिट के नीचे क्या लगा रहा हूं, यूनिट, तो कितनी हो जाएगी हमारे पास सर, आप कहेंगे 50 टॉफीज। पता तो है अगर 1 रुपए की 10 है तो 5 रुपए की 50 हो गई। अगर मैं आपको कहूं भाई मेरे को बताओ 287 टॉफीज कितने की आएंगी, तो आपको सोचना पड़ेगा, हमको नहीं सोचना, हमको यूनिट के नीचे क्या लगा देना है, यूनिट, और दूसरी टर्म को क्या कर दो एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ जाएगा कि 287 टॉफीज कितने रुपीज की रहेगी। बहुत इजी चीज है, और यूनिटरी मेथड है, मोल कॉन्सेप्ट अगला के टॉपिक में करवाना है, उसको इस मेथड से सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए जरा क्या दिया हुआ है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड मेड अप ऑफ एलिमेंट सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन कंटेन 46.7% बाय मास ऑफ सिलिकॉन, 46.7% बाय मास ऑफ सिलिकॉन, इसका मतलब क्या होता है, परसेंट आ गया, दैट मीन्स 100 ग्राम SO2 में से 46.7 ग्राम क्या हो जाएगा, सिलिकॉन, SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड है, सिलिकॉन हो गया। तो अगर इतना सिलिकॉन है
तो 100 माइनस 46.7 जो हमारे पास आएगा, जाएगा 53.3 ग्राम किसके हो जाएंगे, ऑक्सीजन के हो जाएंगे, O2, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ O2। अगर 100 में से इतना सिलिकॉन है तो बाकी जो बच गया वो क्या होगा, ऑक्सीजन, वो क्या होगा, ऑक्सीजन। अब इधर देखना जरा, 100 ग्राम में से ऑक्सीजन कितना है, 53.3 ग्राम ऑफ O2, 100 ग्राम में ये निकाल लिया हमने। तो उन्होंने पूछा, कहता हाउ ऑक्सीजन विल 10 ग्राम ऑफ सिलिकॉन कंबाइन, व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन विल 10 ग्राम ऑफ सिलिकॉन विद कंबाइन, तो कितना हमारे पास ऑक्सीजन का मास आएगा, कितना आएगा हमारे पास, कितने में पूछा उन्होंने, 10 में पहले एक का निकाल लो, 1 ग्राम क्या हो जाएगा, 53.3 डिवाइड बाय 100, कितने का पूछा है, 10 का पूछा है, 10 निकाल लो, ये लो बॉस, 53.3 डिवाइड बाय 100 इनटू 10, ये लो हो गया। 100 ग्राम में इतना ऑक्सीजन था, अभी निकाला ऊपर, 100 ग्राम में इतना ऑक्सीजन था, 100 ग्राम किसमें, SiO2 में, 100 ग्राम SiO2 में इतना ग्राम ऑक्सीजन था, तो 10 ग्राम SiO2 में कितना आ जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ये वाला मेथड भी लगा सकते हैं। चलिए सर यहां लिख के दिखाते हैं, देखिए 100 ग्राम 100 ग्राम SiO2 में हमारे पास ऑक्सीजन कितना था, 53.3 ग्राम, ठीक है, तो कहता है 10 ग्राम में कितना होगा, इधर कर दो x, यूनिट के नीचे यूनिट आ गया, तो x कितना आ जाएगा हमारे पास, 100 आ गया हमारे पास, ये देखिए 100x इज इक्वल टू 53.3 इंटू 10, तो x कितना आ जाएगा, 53.3 डिवाइड बाय 100 इंटू 10, ये तो बॉस, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर माय डियर स्टूडेंट सेम है, यूनिट के नीचे क्या आ गया, यूनिट, दूसरी चीज को क्या कर दो, x निकल जाएगा आपका आंसर। सर ये ट्रिक है, ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, इससे इस ट्रिक को यूज करके मैंने बहुत से न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करा दिया, तो इससे आपका x आ जाएगा। ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स किसके ऊपर बेस्ड थे, हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर बेस्ड थे। अब इसी की एक मॉडिफाइड चीज आती है, वो हम लिख देते हैं, लास्ट दो मिनट में हम बात करने लगे हैं, देखिए इधर जरा ध्यान रखिएगा, इधर इसको खत्म करते हैं, नेक्स्ट लॉ को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको शूट करके देते, ठीक है, चलिए देखिए, KCLO3 ऑन डीकंपोजिशन, KCLO3 ऑन डीकंपोजिशन गिव्स, ऑन डीकंपोजिशन मीन्स टूटना, गिव KCl प्लस O2, गिव्स KCl प्लस O2। अब इसका जो मास दे रखा है मेरे पास, उन्होंने 4.90 ग्राम दे रखा है, 4.90 ग्राम, और इधर जो मास दे रखा है दैट इज 2.96 एंड 1.92, ये गिवन दे रखा है। वो कह रहा है चेक करो कि ये जो हमारे पास लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए हमारे पास वैलिड है या नहीं है, तो चेक कर लेते हैं। इधर 4.90 है रिएक्टेंट का मास, प्रोडक्ट का चेक करो, 2.96 प्लस 1.92 तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको देखेंगे जरा, 4.88 आ रहा है, थिंक सो, 4. कितना आ रहा है, 88, मींस एरर आ रही है, मींस मास ऑफ रिएक्टेंट विल नॉट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ रिएक्टेंट विल नॉट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, एरर आ गई है, एरर कितनी आई है, 0.02, इतना एरर आ गया। तो ये मास कहां गया, अब तो ये मास कहां गया, तो हमारे साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने कहा था, कहता अगर कभी रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास सेम नहीं आया तो जो एरर आ रहा है वो एनर्जी में चेंज हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, एनर्जी, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, फिजिक्स वाली बातें आ जाएंगी। अब हमको इतना ही ध्यान रखना है कि अगर कभी हमारे पास मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल नहीं आया तो वो मास किस में चला गया हमारे पास, एनर्जी, इसी को हम बोलेंगे सेकेंड लॉ, मॉडिफाइड लॉ, फर्स्ट का क्या हो गया मॉडिफाइड, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे हमारे पास, सेकेंड लॉ की हेडिंग बना दो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, होप आपको इसकी आवाज डिस्टर्ब ना कर दी हो, कि बाहर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, तो मैनेज कर लीजिएगा जरा। चलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी लिखिए, डेफिनेशन बना दीजिए, मॉडिफाइड कर दीजिए, इन नंबर ऑफ रिएक्शन, इन नंबर ऑफ रिएक्शन
स्पेशली इन न्यूक्लियर रिएक्शन द मास ऑफ प्रोडक्ट इज स्लाइटली लेस देन द मास ऑफ रिएक्टेंट इन ए नंबर ऑफ रिएक्शन स्पेशली इन न्यूक्लियर रिएक्शन द मास ऑफ प्रोडक्ट इज स्लाइटली लेस देन द मास ऑफ रिएक्टेंट दस this change in mass is represented by energy. Thus, this change in mass is represented by energy. So, definition बनाइए. इसकी definition लिखेंगे second वाले law की. The mass and energy are इंटरकन्वर्टेबल मतलब मास को एनर्जी में चेंज कर सकते हैं और एनर्जी को मास में चेंज कर सकते हैं. लिखेंगे डेफिनेशन, द मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टेबल बट द टोटल सम ऑफ मास एंड एनर्जी इन अ केमिकल रिएक्शन रिमेन कांस्टेंट. पहले हम कह रहे थे सिर्फ मास ही कांस्टेंट रहेगा, बट अगर कभी मास हल्का फुल्का डिफरेंट हो गया तो हम बोलेंगे कि वो किसमें चेंज हो गया है, एनर्जी. तो इसलिए हमने लॉ को भी क्या लिख दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी टर्म हमने यूज कर ली है. ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये बहुत से क्वेश्चंस हो गए हैं फर्स्ट लॉ के, और हमने क्या कर लिया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी कर लिया है. अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड लॉ के ऊपर बात करेंगे. आप जैसे मैंने न्यूमेरिकल्स आपको करवाए हैं ऐसे ही प्रैक्टिस कर लीजिए, लिखते चलिए. जितना आप रिटन प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा.